अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं नूर फातिमा कुरैशी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कनाडा का इंसदाद दहशतगर्दी का कानून, अफगानिस्तान के लिए इमदादी खेप मनसूख कर दी गई। कैनेडियन कानून में तालिबान को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया गया था। कनाडा में ये कानून 2013 में पास हुआ था। ऑन्टेरियो के अस्पतालों में बढ़ता दबाव, सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि निजकारी के ऑप्शन को मुस्तरद नहीं कर सकते, लोगों की खिदमत के लिए तमाम ऑप्शन जेर गौर हैं। ऑन्टेरियो की सूबाई पुलिस की कार्रवाई, 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुल्जिमान पर 400 से ज्यादा इल्जाम आयद किए गए हैं। रूस यूक्रेन जंग का असल जिम्मेदार अमेरिका है। चीन का कहना है कि चीन और रूस के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका ने नेटो के दिफाई इत्तेहाद की बार बार तोसी रूस का उकसाने का सबब बनी। रूस का अमेरिका के 19 जदीद मिसाइल तबाह करने का दावा, मिसाइलों को जनूबी यूक्रेन में निशाना बनाया गया, जदीद फौजी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. अफगानिस्तान के लिए खुराक के दो कंटेनर्स कनाडा की एक इमदादी एजेंसी ने तालिबान के साथ किसी भी किस्म के लेन देन पर पाबंदी के कानून की वजह से मंसूख किए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इंसदाद दहशतगर्दी कानून की वजह से अफगानिस्तान के लिए इमदादी खेप मंसूख कर दी गई। वर्ल्ड विजन का कहना है कि उसके खाने से तकरीबन 1800 बच्चों को खाना खिलाने में मदद मिल सकती थी। अफगानिस्तान के लिए खुराक के दो कंटेनर्स कनाडा की एक इमदादी एजेंसी ने तालिबान के साथ किसी भी किस्म के लेन देन पर पाबंदी के कानून की वजह से मंसूख किए गए हैं। वर्ल्ड विजन अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टर ने कहा कि मुल्क को एक और संगीन इंसानी बहरान का सामना है और खुराक की तरसील को गैर ज़रूरी पाबंदियों की वजह से मंसूख करना पड़ा। कनाडा ने 2013 में एक कानून पास किया था जिसमें तालिबान को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया गया था और अगर कैनेडियन उन्हें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जायदाद या मालियात फराहम करते हैं तो उन्हें 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। अफगानिस्तान में काम करने वाली इमदादी एजेंसियों को शिकायत है कि कानून अपनी मौजूदा शक्ल में उनके काम में रुकावट डाल रहा है क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स की मदद नहीं कर सकते जिसके साथ अब अफगान हुकूमत के साथ सरकारी लेन देन हो, बशमूल किराया या टैक्स अदा करने वाले। एजेंसी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कनाडा अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद को गैर मुजरिमाना करार देकर जाने बचाने के लिए कार्रवाई करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की वजीर सेहत सेहत की देखभाल में निजकारी को मुस्तरद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत सूबे भर के अस्पतालों में अमले की एक बड़ी कमी से निमटने के तरीके देख रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के वजीर सेहत की देखभाल में निजकारी को मुस्तरद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत सूबे भर के अस्पतालों में अमले की एक बड़ी कमी से निमटने के तरीके देख रही है। सिल्विया जॉन्स ने कहा कि हुकूमत हंगामी महकमों को बंद होने से रोकने की कोशिश में बहुत से ख्यालात पर गौर कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमत निजकारी पर गौर कर रही है, जॉन्स ने कहा तमाम ऑप्शंस मेज पर है। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ ऑन्टेरियो में जिद्दत और मौके मौजूद हैं, हम उनको तलाश करेंगे। इस मौसम गर्मा में ऑन्टेरियो के हंगामी महकमों को एक वक्त में घंटों या दिनों के लिए बंद करना पड़ा है जो कि सेहत की देखभाल करने वाले हुक्काम का कहना है कि नर्सिस के अमले के बहरान की वजह से है। कुछ छोटे देही अस्पतालों को बड़े शहरी अस्पतालों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जॉन्स का कहना है कि वो इस मसले को हल करने की कोशिश में सूबे भर के अस्पताल कॉरपोरेशन से बातचीत कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत के निज़ाम में तब्दीलियों पर गौर कर रही है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या होंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास ओंटेरियो सूबे में सेहत आमा का निज़ाम हमेशा रहा है और हम उसे जारी रखेंगे। ओंटेरियो पुलिस की जानिब से असलहे के स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ग्रुप के खिलाफ सैकड़ों इल्ज़ाम आयद किए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटेरियो पुलिस की जानिब से बंदूकों फेनिटिनाइल की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ग्रुप के खिलाफ सैकड़ों इल्ज़ाम आयद किए गए। ओंटेरियो पुलिस सर्विसेज की तकरीबन 10 माह की तवील तहकीकात के नतीजे में 22 अफराद के एक ग्रुप पर 400 से ज़ायद इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, जिन पर कैनेडियन अमरीकी सरहद पर बंदूकों और मुंशात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। यार्क रीजन पुलिस के एक अफसर के मुताबिक लंदन ओंटेरियो में मुंशात की स्मगलिंग के लिए ज़ेरे तफ्तीश एक शख्स से अक्टूबर 2021 में तहकीकात शुरू हुई। उन्होंने ये नहीं बताया कि बंदूकें दरिया के पार हासिल करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि अप्रैल के आखिर में करीबी लेमिंगटन काउंटी में मिलने वाले ड्रोन से बंदूकें मुंसलिक होने का वाकया इस तफ्तीश से मुतालिक नहीं है। ओंटेरियो की सूबाई पुलिस, लंदन पुलिस, यार्क पुलिस और पील पुलिस के अफसरान ने कहा कि उन्होंने अपना केस बनाया और फिर 28 जुलाई को 22 घरों और 2 कारोबारों पर छापे मारे। 27 हैंडगन्स, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि अमरीका से हैं, और मुंशियात की एक मकदार बशमूल 9 किलोग्राम कोकेन, 1.9 किलोग्राम फेनिटेनियल और 20,000 जेनिक्स गोलियां मुबैना तौर पर मिली हैं और 22 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। एक तजिए से पता चला कि जब्त की गई बंदूकों में से 20 का ताल्लुक अमरीका से है, जिनमें फ्लोरिडा, ओहायो और मिशिगन जैसे मकामात शामिल हैं। रूस में चीनी सफीर ने अमरीका को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार ठहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वाशिंगटन पूरी तरह मॉस्को को कुचलना चाहता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने रूस यूक्रेन जंग का असल जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। रूस में चीनी सफीर ने अमरीका को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार ठहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि वाशिंगटन पूरी तरह मॉस्को को कुचलना चाहता है। सफीर जांग हिनोई ने कहा कि अमरीका ने नेटो के दिफाई इतिहाद की बार बार तौसी और मॉस्को के बजाय यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करने वाली क़ुव्वतों की हिमायत के साथ रूस को एक कोने में डाल दिया है। रूस की सरकारी खबर एजेंसी टास को इंटरव्यू देते हुए जांग ने कहा कि यूक्रेनी बहरान को शुरू करने और जंग पर उकसाने का असल महारिक अमरीका है, जो रूस पर सख्त पाबंदियां लगा रहा है, जबकि यूक्रेन को असलहा और फौजी साजो सामान की फरहमी जारी रखे हुए है। इंटरव्यू में जांग का कहना था कि चीन और रूस के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी खसूसियत बाहमी एतमाद की आला तरीन सतह और स्ट्रेटेजिक अहमियत है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज ने मशरिकी और जनूबी यूक्रेन में 19 अमरीकी साख्ता मिजाइल मार गिराए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन में अमरीका के फराहम करदा जदीद मिजाइल तबाह करने का दावा कर दिया है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज ने मशरिकी और जनूबी यूक्रेन में 19 अमरीकी साख्ता मिजाइल मार गिराए हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि निशाना बनाए गए हैमर्स मिजाइल हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिन्हें मशरिकी और जनूबी यूक्रेन में निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के इलाके करामा तोर्सिक के नज़दीक जदीद फौजी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.